नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव में सुनसान इलाके में 4 साल का मासूम विकास मरणासन्न हालत में पड़ा मिला। पूरा मामला कानपुर देहात में बहन के घर आए नशेबाज युवक ने 4 साल के मासूम बच्चे को टॉफी दिखाकर बहला फुसलाकर बच्चे को जंगल ले जाकर मासूम की हत्या करने के उद्देश्य से मारा पीटा और अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। इलाकाई लोगों ने देखा तो मासूम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले से घर वाले सन्न थे कि आखिर उनके मासूम बच्चे की हालत किसने किया। उनका किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल बच्चा अपने बड़े भाई के साथ पड़ोस में टीवी देखने गया था। अब पुलिस के साथ ही परिवार के लोग घटना की वजह खोजने में लगे हुए हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी विष्णु को गिरफ्तार करने में जुट गई है और डॉक्टर से चर्चा की गई, लेकिन माँ के आरोपी को देखते हुए कुरकम की घटना से इनकार कर दिया गया है। घटना से मारपीट कर हत्या की वजह निकल आ रही है। कहाँ से आए हैं आप? विजयपुर। मूसानगर से? हाँ। क्या घटना हुई है बच्चे के साथ? बच्चे के साथ में ये घटना हुई कि बच्चे खेत मान ले टीवी देख रहे थे, दो भाई दो लड़के तो दो देख रहे थे, एक जने अंदर देख रहे थे, एक जने के आए तो इतना निकल गए कि जंगल में तो पटक के मारा। अब हम लोग ये सोचे थे कि मान ले टीवी रोज की नामा देख के आ रहे हैं, और जब भी आए तो हम पूछो उनको बउआ कहाँ था, कहाँ जाने वो बउआ बता भी दे रहे थे। जब दो घंटे तो घर में मिले तो पूछो क्या नाम है उनका जिन्होंने मारा है बच्चे को आपके? विष्णु नाम है। FIR करी है आपने? हाँ। क्षेत्र में 4 साल बच्चे के साथ मारपीट हुई है और गंभीर अवस्था में। कल सुबह 8:30 बजे करीब एक मूसानगर के गांव में एक 4 साल के बच्चे के साथ एक लड़के ने मारपीट की है और जिससे उसके गंभीर चोटें आई हैं, चेहरे पर स्वेलिंग है और उसको जिला अस्पताल में कल दिखाया था और उसकी मां ने, और उसको वहां से रेफ़र किया गया है कानपुर, वहां इलाज चल रहा है। स्थिति गंभीर है और इस गंभीर प्रकरण को देखते हुए 308 का मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया गया है मूसानगर में और अभियुक्त की तलाश की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम रवाना की गया है। क्या वजह मानी जाए अगर कि बच्चे के साथ क्यों मारपीट की गई है? महिला का आरोप है कि हत्या करने के इरादे से या कुकर्म करने के इरादे से? हाँ, जो तहरीर में है उसके मुताबिक अभी महिला ने बताया है कि उसके गंभीर मारपीट की गई है, तो मारने के नियत से की गई है और अन्य बिंदुओं पर गहराई से छानबीन की जा रही है। डॉक्टरों का बयान लिया गया है, उसके मुताबिक उसके अन्य कोई फिजिकल अस�ल्ट के अलावा अन्य किसी तरह का प्रयास नहीं हुआ है। फिर भी जो है उसके हॉस्पिटल से आने पर उसकी माँ से बात करके और तहकीकात करके जो भी नियमानुसार है कार्रवाई की जाएगी।